यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। सो गाइस अभी मैं काफी देर से बेस वगैरह ढूंढ रहा हूँ रेड करने के लिए, लेकिन मेरे को बेस ही नहीं मिल रहा है। सर्वर में कोई बेस ही नहीं बचा। फिर एथलीट भाई ने बताया कि उन्होंने एक बेस दिखाया फैक्ट्री की साइड पे, तो और क्या था गाइस, मैं तुरंत गाड़ी उठाई और अपने साथ आरडीएक्स भाई है सो उसके साथ मैं निकल पड़ा फैक्ट्री की साइड में। चलो गाइस देखते हैं चल के कैसा है बेस, कितना बड़ा है, रेड कर पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे गाइस एक हमें बेस दिखता है जो कि मेरे ख्याल से बॉर्ड बेस हो सकता है, क्योंकि इस बेस का जो हेल्थ है ये आधा डैमेज हो रखा है, आधा से ज़्यादा डैमेज हो रखा है। तो चाहे जो भी बेस है, बॉर्ड बेस हो चाहे या फिर कोई बंदे का ही बेस हो, रेड तो हमें करना ही है क्योंकि इस सर्वर में हम कोई भी बेस नहीं छोड़ने वाले। तो चलो इस बेस का डोर से रेड करते हैं, क्योंकि इस बेस का जो अंदर का पार्ट है ये भाई पूरा खोखला पड़ा हुआ है। बस एक डोर तोड़ने पे हमें सब कुछ लूट वगैरह मिल जाएगा। देखो मिल गया है अभी अभी जस्ट हमें इस चेस्ट पे। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ भाई क्या है, कुछ भी नहीं है गाइस, इसका बस कैबिनेट पे ही लूट वगैरह होता है मेरे ख्याल से। तो कैबिनेट पे मैं दो बम लगा देता हूँ, ये लगा दिया, दो ऑयल ड्रम। वैसे अपने पास गाइस बम भी ज़्यादा नहीं है और देखते हैं क्या लूट मिला। हाँ गाइस अब तो ये पक्का है कि ये बॉर्ड बेस ही था, क्योंकि बॉर्ड बेस में बस ऐसा ही सामान मिलता है। अभी मेरा कैबिनेट क्राफ्टिंग पे था तो अभी बन चुका है, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया है अभी। सो अभी पूरे बेस को हम तोड़ देते हैं। इस सर्वर में इस बार कोशिश करूंगा कि भाई कोई भी बेस ना रहे। तो अभी हम इस बेस को तो तोड़ दिया है, अभी चलते हैं हम जा रहे थे उसी बेस में, चल के देखना पड़ेगा भाई सबसे पहले कैसा है बेस। मैंने सुना काफ़ी ठीक ठाक सा बेस है, सो चल के ही पता लगेगा कैसा ठीक ठाक है, मतलब हम रेड कर भी पाएंगे या नहीं। तो ओके गाइस यार अभी मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ उस बेस के पास में। तो देखते हैं सबसे पहले बेस को चारों तरफ से। तो इस साइड पर एक शॉटगन ट्रैप लगा हुआ है और साइड में एक सीढ़ी भी नज़र आ रहा है मेरे को, लैडर। और बेस तो भाई पूरा आयरन से अपग्रेडेड है, कहीं पे भी स्टोन मेरे को दिख नहीं रहा और मेरे को लगता नहीं अंदर पे भी स्टोन का होगा, या हो भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते ऐसे। बट गाइस मेरे पास ज़्यादा बम नहीं है, अगर पूरा भाई अंदर से आयरन और स्टील का हुआ तब तो फिर ख़त्म सीन है, मतलब मैं दो वाल तक शायद मैं नहीं तोड़ सकता आयरन का। बेस तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक सा बेस है। हमें अगर हमने इस पर रेड कर दिया तो हमें ठीक ठाक काफ़ी अच्छा खासी लूट मिल सकता है। और बेस में एक वेंडिंग मशीन भी लगा हुआ है, वैसे हमें वेंडिंग मशीन के वजह से ही पता चला कि यहाँ पे एक बेस है। हमने वेंडिंग मशीन को फॉलो करते हुए यहाँ पे आए और देख लिया कि यहाँ पे बेस है। चलो जो भी हो गाइस मैं इस बेस में सोचा कि डोर टू डोर रेड करते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बम नहीं है, मैं आयरन का दो वॉल तक नहीं तोड़ सकता गाइस, इतना ज़्यादा कम बम है मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना डोर से ही रेड किया जाए, अगर किस्मत अच्छी हुई तो हम रेड कर पाएंगे, अगर नहीं हुई तो भाई नहीं कर पाएंगे मतलब अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में ज़रूर करेंगे। तो जो भी हो मैंने अभी यहाँ पे बम लगा दिया है दो, सो मैं धीरे धीरे बम लगाने वाला हूँ, एक साथ नहीं लगाने वाला, शायद तीन या चार लगता है हैंडमेड एक डोर को तोड़ने के लिए। और गाइस देखो ज़रा मेरे बम का जो फ्लैश डैमेज है, वो उसका स्किन भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, ये देखो अभी जब भी बम फूटेगा ये देखो भाई बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने में। सो ऑलराइट गाइस अभी डोर टूट चुका है, लेकिन यहाँ पे निकल चुका है एक शॉटगन ट्रैप। वैसे शॉटगन ट्रैप से भी उतनी कोई डरने की बात नहीं है, फिलहाल मैं इस डोर के ऊपर बम लगाता हूँ। तो तीन बम मैंने लगा दिया और एक बम चाहिए होगा, एक डोर को तोड़ने में चार बम लगता है, हैंडमेड चार लगता है, C4 पता नहीं कितना लगता है, दो लगेगा शायद, दो ये एक में तो नहीं टूटेगा। वैसे C4 से कोई मतलब आयरन का डोर या वॉल भी नहीं तोड़ता। और अभी हम अंदर आ चुके हैं, पहले हमें इस शॉटगन का या बुलेट ख़त्म करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, लेकिन छोड़ो शॉटगन में इसे डायरेक्टली शायद बम लगा सकता हूँ अंदर के डोर में। तो चलो अभी मैं सामने की दोनों डोर के बिल्कुल कोने पे बम लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उतना दूर तक नहीं जा रहा। खैर चलो कोई नहीं, वो डोर भी हम तोड़ देंगे, उतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी एक और बम लगाना पड़ेगा मुझे इस डोर पे, तब भी जाके ये डोर टूटने वाला है। अरे यार मैं ये कहाँ पे बम लगा रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उधर कोने पे लगाना चाहिए था, तो भाई डायरेक्ट दोनों डोर ही टूट जाता। तो भाई इधर इस साइड पे तो भाई कुछ भी नहीं है, और इधर देखो गाइस ग्लिच करके, सो उधर पूरा भाई वुडन स्क्रैच कांटे लगा के रखा है बंदे ने, पता नहीं क्यों बेस के अंदर कांटे लगा के रखा है। खैर उससे छोड़ो, मैं यहाँ पे एक हैंडमेड लगा देता हूँ इस साइड में, तो लगा दिया, अभी भागते हैं यहाँ से, वरना ये ऑटो कैनन नहीं शॉटगन ट्रैप भी मारेगा, ऊपर से बम भी। तो अभी आयरन का डोर तो टूट चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी आ चुका है एक इलेक्ट्रिक डोर और एक आ चुका है आयरन का शटर जो होता है, लेकिन अभी हम
इलेक्ट्रिक डोर को तो तोड़ के भाई कोई फायदा नहीं है, अभी मैं एक काम करता हूँ इसी को तोड़ता हूँ। और गाइस अभी देखो इस बंदे ने बेस को बनाने में छोटी सी गलती कर बैठता है, जो कि है इसने आयरन का शटर तो लगा दिया लेकिन शटर का जो फ्रेम होता है फ्रेम को इसने स्टोन का ही छोड़ दिया। तो अभी मैं जस्ट स्टोन पे दो ऑयल ड्रम बम मेरे को लगाना है 2-3 और भाई ये टूट जाएगा इजीली। अभी देखो मैं इस शटर के जो फ्रेम होता है फ्रेम के ऊपर ऑयल ड्रम लगा रहा हूँ, तो अभी दो लगा दिया, दो में ही गाइस ये टूट चुका है, दो में वैसे नहीं शायद उसका बम का, मैंने जब पहले बम लगाया था उसको फ्लैश डैमेज की वजह से और पहले ही डैमेज हो रखा था इसीलिए वो टूट गया। वैसे उसको तोड़ने में 3-4 ऑयल ड्रम लगता है स्टोन का फ्रेम को तोड़ने में। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो मतलब अगर आप शटर लगा रहे हो तो शटर का जो फ्रेम होता है फ्रेम को भी आयरन पे अपग्रेड कर दो, हो सके तो स्टील पे भी कर दो। यहाँ पे मुझे शॉटगन ट्रैप काफी ज्यादा डैमेज वगैरह दे देता है तो मैं खुद को हील कर लेता हूँ। सो अभी तो हमें इसका लूट रूम मिल चुका है लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे शॉटगन ट्रैप लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें इनकी एमओ को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अपना आरडीएक्स भाई तो लग चुका है एमओ ख़त्म करने पे, लेकिन मैं बोल रहा होता हूँ कि भाई सबसे पहले यहाँ पे स्लीपिंग बैग लगाओ, हो सकता है हम मर जाए क्योंकि अंदर काफ़ी सारे शॉटगन ट्रैप लगा हुआ है। अगर हम मर गए तो हम अपने बेस से आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अपनी गाड़ियाँ भी यहीं पे हैं, तो अगर हम पैदल आए तो तब तक तो अपना लूट भी डिस्पॉन हो जाएगा। और अपने पास देखो ज़रा कितनी अच्छे अच्छे आर्मर वगैरह है, टाइटेनियम का आर्मर वगैरह हम पहन के घूम रहे हैं, अगर ये चले गया तो समझ लो ख़त्म ही सीन है। तो मैं इधर निकल पा रहा हूँ भाई नेटल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए क्योंकि हमें चाहिए क्लोथ और क्लोथ से हम बनाएंगे स्लीपिंग बैग। तो ऑलराइट गाइस अभी मैं कुछ नेटल्स वगैरह कलेक्ट करके स्लीपिंग बैग बना लिया हूँ। सो यहाँ पे अपना आरडीएक्स भाई यहाँ पे छोटा सा एक बेस बना के रखा है, वैसे अच्छा ही किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें लूट वगैरह यहाँ पे रख के जाना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड दबा के गेट को अनलॉक कर दिया, अभी इसको भी हम अनलॉक कर देते हैं। वैसे इसको अनलॉक कहते हैं क्या? हाँ शायद अनलॉक ही कहते हैं, चाहे जो मर्जी बोल लो भाई। यहाँ पे मैंने अपना स्लीपिंग बैग प्लेस कर दिया और मैंने एक आरडीएक्स भाई को उनका स्लीपिंग बैग दे दिया है, सो उन्होंने भी एक प्लेस कर दिया है। तो अभी चलते हैं, चल के एमओ वगैरह ख़त्म करते हैं शॉटगन की। सो आरडीएक्स भाई को देखो ये तो भाई पूरा ही अंदर चला गया, इनको भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने वाला है, तो वैसे ज़्यादा तो नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है। और गाइस वीडियो पे कभी कभी आपको गेम साउंड आएगा और कभी कभी नहीं आएगा क्योंकि गाइस मेरे रिकॉर्डर के साथ कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस उसको सही करने के लिए लेकिन भाई हो ही नहीं रहा है। मतलब कभी कभी साउंड आता है, गेम साउंड रिकॉर्ड होता है और कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसके लिए सॉरी गाइस एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे सबसे पहले ना मैं ये बाहर का जो इधर शॉटगन ट्रैप लगा हुआ है इसका एमो ख़त्म कर दूँ क्योंकि भाई ये पीछे से मारता है, भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है ये। और मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया क्या? नहीं हुआ, मुझे लगा भाई ख़त्म हो गया इसका एमो, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है मेरे ख्याल से इतनी सारी शॉटगन की बुलेट ख़त्म करने पे। तो गाइस अभी इस साइड का दो ट्रैप का बुलेट ख़त्म हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ इस साइड के जो लार्जेस्ट लगा हुआ है इसको तोड़ के देख लेता हूँ क्या मिलता है। भाई ये क्या मिला, इतने सारे सामान भाई बिल्कुल खाली मिला, भाई कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ऊपर वाला देखते हैं, वैसे भाई अगर इस पर भी कुछ भी नहीं मिला ना, अरे भाई ये क्या भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई यहाँ से तो। और लेकिन भाई अभी मैं और आगे तक नहीं जा सकता क्योंकि अंदर भाई शॉटगन मार रहा है अभी। तो सबसे पहले अभी हमें सारे के सारे शॉटगन ट्रैप की बुलेट को ख़त्म करना पड़ेगा। सो मैं पूरा अंदर आ गया लेकिन डैमेज वगैरह नहीं हुआ उतना भी ज़्यादा क्योंकि पहले भाई काफ़ी ज़्यादा शॉटगन ट्रैप वहाँ पे चालू था, अभी काफ़ी सारा ऑफ हो चुका है क्योंकि उनका बुलेट ख़त्म हो चुका है, अभी जस्ट 2-3 ही शॉटगन ट्रैप अभी भी चल रहा है। और अभी देखो मैं तो भाई पूरा उसके ऊपर चढ़ के आ गया, तो हमें ठीक से भाई जल्दी जल्दी इन्हें बुलेट को ख़त्म करना पड़ेगा। सो ऑलराइट गाइस अभी फाइनली सारे का सारे शॉटगन ट्रैप की बुलेट ख़त्म हो चुका है, तो अभी देख लेते हैं लार्जेस्ट के अंदर क्या है। मैंने तो पहले इस साइड पे भाई जितने भी लार्जेस्ट स्टोरेज था कुछ भी नहीं था भाई उसके अंदर। और यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत हमें चीज़ें तो मिल रहा है, कंपोनेंट्स वगैरह, एक ऑटो कैनन भी मिल गया है, बस अच्छा ही मिला जो भी मिला। इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है हमें। ओ भाई हमें तो चारकोल ही चाहिए था, और गाइस यहाँ से हमें चारकोल मिल गया है और गन पाउडर भी मिल गया है काफ़ी, मतलब 2000 के आसपास, 2-3000 तो गन पाउडर यहाँ से मिल चुका है। पर्पल कार्ड भी मिल गया, फिलहाल हमें कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मेन चीज़ अभी चाहिए चारकोल एंड सल्फर। सल्फर थोड़ा बहुत मिला है फिर भी अच्छा है, लेकिन चारकोल अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और आजकल तो गाइस बम वगैरह नहीं मिलता कोई भी बेस में, सारे के सारे बंदे क्राफ्टिंग पे लगा के रखते हैं, लेकिन ये तो ग्लोबल सर्वर है यार, ग्लोबल सर्वर में भी बंदे लोग क्राफ्टिंग पे लगा के रखता है क्या पता नहीं है। तो चलो अभी हम इसका क्लोसेट को तोड़ के देखते हैं इसके पास कौन कौन से आर्मर वगैरह है। तो यार इसके पास तो सारे के सारे सस्ते आर्मर पड़ा हुआ है, सारे आयरन की आर्मर है। सो चलो इनके तो छोड़ो, अपने पास आयरन की आर्मर की भंडार पूरा है, सो हमें ये सब नहीं चाहिए। वैसे इसका डीप रिपेनर तो होते हैं गाइस,
और मेरे ख्याल से ये जो आप स्टील का वॉल देख पा रहे हो, इसी वॉल के पीछे छुपा होगा इसका कैबिनेट, क्योंकि पूरे बेस में मुझे बस यही एक स्टील का चीज़ दिखा है और कहीं पे भी स्टील यूज़ नहीं हुआ है। और टाइटन इसके पास डीप रिफाइनर है, लेकिन गाइस इसने टाइटेनियम का नहीं किया, ये तो भाई मतलब अलग ही सीन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हमारा बैग फुल हो चुका है तो हमने सोचा क्यों ना छोटे बेस में आ जाए अपने और यहाँ पे लास्ट स्टोरेज लाके इसके अंदर सारे के सारे लूट रख देते अपनी। सो मेरे पास जितने भी लूट वगैरह है भाई फालतू सामान जो कि अभी हमें फिलहाल नहीं चाहिए रेड करने पे, सारे के सारे सामान को मैं यहीं पे रख देता हूँ। चारकोल वगैरह सब कुछ, चारकोल गन पाउडर भी रख देता हूँ। वैसे गाइस मैं यहीं पे वैसे बम चाहे तो मैं बना सकता हूँ इसी के बेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फ्यूल भी तो चाहिए। हाँ फ्यूल भी है तो हम बना सकते हैं वैसे इजीली, हमें बम वगैरह चाहिए तो, लेकिन हमें नहीं चाहिए फिलहाल अभी, तो मैं सारे के सारे यहाँ पे रख देता हूँ। अभी चलते हैं दोबारा वहाँ पे, जितने भी लूट वगैरह गिरा है सारे को उठाते हैं फिर से लाके यहाँ पे रखेंगे। तो गाइस अभी इस डोर को तोड़ के देखते हैं, हमने ग्लिच करके देखा कि डोर के पीछे कुछ लूट वगैरह छुपा हुआ था, तो चलो देखते हैं इसे तोड़ के क्या देखने को मिलता है हमें। सो मेरे को इसके ऊपर एक और बम चिपकाना पड़ेगा तब जाके ये डोर टूटने वाला है। देखो इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है अभी, सो मैं चिपका देता हूँ भाई अभी यहाँ पे एक हैंडमेड। यार लग क्यों नहीं रहा, ये लग गया। सो अभी ये टूटने वाला है गाइस। तो गाइस अभी ये टूट चुका और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दो दो वेपन चेस्ट। देखते हैं इसके पास कौन कौन सी गन है। वैसे SMG वगैरह है, डबल ओजी और कुछ गन शॉर्ट गन वगैरह ये इसमें ऊपर वाले पे। देखते हैं इसको तोड़ के क्या देखने को मिलता है। सो देखते हैं। अरे भाई इसके अंदर तो AR भी है यार, मैंने सोचा नहीं था इसके पास AR होगा। तो चलो जो भी है उठा लेते हैं। AR वगैरह हमें मिल गया, 3-4 AR तो मिल चुका है यहाँ से। वैसे तो गाइस अपने बेस में ही भाई बहुत सारे गन वगैरह पड़ा हुआ है, हमें नहीं चाहिए इतने सारे गन, लेकिन फिर भी उठाने को भाई उठा लेते हैं। हमें बस अभी चाहिए होगा चारकोल एंड सल्फर और कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे तो इस डोर के पीछे ही कैबिनेट होगा, लेकिन इस डोर को तोड़ने के लिए हमें चाहिए होगा C4 और अपने पास अभी C4 नहीं है। वैसे C4 का रेसिपी तो मेरे दूसरे बंदे का पास है, लेकिन मेरे पास नहीं है। वैसे अगर अपने बेस में एक भी C4 होता ना तो मैं उसी C4 से रेसिपी निकाल लेता, क्योंकि अपने पास अभी स्पेयर की कोई कमी नहीं है। अपने पास भाई 10-20 हज़ार स्पेयर बस ऐसे ही पड़ा हुआ है अपने बेस में, और जिसके पास C4 का रेसिपी है वो बंदा फिलहाल अभी ऑफलाइन पड़ा हुआ है। तो हमें काम कर सकते हैं इसको हैंडमेड से ही हमें तोड़ना पड़ेगा, लेकिन हैंडमेड कितना लगता है भाई मेरे को ये तो पता नहीं है, शायद 15-20 के आसपास तो लग जाएगा एक स्टील का डोर तोड़ने पे। लेकिन अपने पास अभी इतना भी हेलमेट नहीं है, मेरे ख्याल से मेरे पास अभी 2-3 ही हेलमेट शायद होगा। तो एक काम करते हैं, अपने पास जितने भी लूट वगैरह है लूट को अपने बेस में शिफ्ट करते हैं और बाद में उधर से मैं अपने बेस से कुछ हेलमेट बना के ले आऊँगा। तो अभी मैं सबसे पहले अपने इस छोटे से बेस में से जितने भी इम्पोर्टेंट लूट वगैरह है सारे के सारे लूट में उठा लेता हूँ जितना मैं उठा सकता हूँ, फिर इसे शिफ्ट करते हैं अपने मेन बेस में। तो भाई सारे उठा लेते हैं, वैसे मैं चारकोल वगैरह उठा लेता हूँ। वैसे जो भी, वैसे तो हमें सारे के सारे लूट ही ले जाना है चाहे हम कोई भी लूट ले जाए। तो ऑलराइट गाइस अभी हमने लूट वगैरह उठा लिए, वैसे सारा लूट तो हमने नहीं उठा पाया, हमें और एक बार आना पड़ेगा यहाँ पे लूट लेने के लिए, तब जाके सारा लूट ले जा पाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें जाएंगे अभी हम अपने बेस में, फिर अपने बेस से मैं कुछ हेलमेट वगैरह बनाऊंगा, फिर दोबारा आके इस बेस में रेड करेंगे। सो जल्दी से चलते हैं अपने बेस में। तो गाइस मैं अपने बेस में सामान बकर रख के और कुछ हैंडमेड लेके दोबारा आ चुका हूँ उस बेस में, क्योंकि हमने इस बेस को बस ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, फुल रेड बिल्कुल भी नहीं किए थे। तो अभी मैं कुछ हैंडमेड लेके तो आ चुका हूँ, 20-30 हैंडमेड तो मैं लाया हूँ। तो चलो अभी इस डोर पे हम हैंडमेड वगैरह लगाते हैं और जल्दी से तोड़ते हैं इस डोर को और देखते हैं भाई आज कितना लगता है हैंडमेड इस डोर को तोड़ने पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 हैंडमेड लगा देता हूँ और देखते हैं कितना ज़्यादा डैमेज होता है। भाई काफ़ी ज़्यादा कम डैमेज हुआ, वैसे तोड़ तो लेंगे हम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो अभी 4 हैंडमेड हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं और इसके पीछे क्या है भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मैंने अभी वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया था यार इस डोर को तोड़ने में। तो भाई कितना लगाया हमने, 10 हेलमेट गाइस ऑलरेडी हमने लगा दिया है, अभी देखते हैं और हमें कितना लगेगा। मेरे ख्याल से अभी और 10 जाएगा क्योंकि इसका आधा हेल्थ अभी भी बचा है। तो हमने अभी यहाँ पे 13 हेलमेट लगा दिया है ऑलरेडी। अभी मैं इधर थोड़ा बहुत ग्लिच करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसके अंदर कैबिनेट है भी या नहीं, वैसे होना तो चाहिए क्योंकि ये वाला रूम पूरा स्टील का है, वैसे होगा ही। सो अभी यहाँ पे हमने लगा दिया 15 हेलमेट और भी मेरे ख्याल से 5 हेलमेट लगेगा ही यहाँ पे। सो ये मैं 2 हैंडमेड यहाँ पे लगा दिया, अभी भी और 3 हैंडमेड चाहिए होगा हमें।
सो अभी मेरे ख्याल से एक हेडमेट तो ये टूट जाना चाहिए, हाँ तो टूटेगा मेरे ख्याल से, तो टूटना चाहिए। तो गाइज अभी ये टूट चुका है और अपना यहाँ पे हैंडमेड गया है 20 हैंडमेड। तो अभी हमें यहाँ पे कैबिनेट भी मिल चुका है फाइनली। तो चलो अभी हम जल्दी से इसका कैबिनेट तोड़ देते हैं और अपना कैबिनेट प्लेस करते हैं। तो मैं इसके अंदर 2 ऑयल ड्रम तो लगा दिया है, सो अभी इसके सबसे पहले फोड़ने के लिए वेट करता है। तो अभी इसका कैबिनेट फूट चुका है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लूट हमें मिलता है। वैसे पॉइंट मिला गाइस यहाँ से, कितना पॉइंट मिला, 10 पॉइंट मिला शायद हमको, और बहुत सारी वुड वगैरह मिला। वैसे अपने को वुड की ज़रूरत है काफ़ी सारे, और स्टोन भी मिल गया, चलो अच्छी है। आयरन भी मिल गया काफ़ी अच्छे खासे। टाइटेनियम गाइस यहाँ से हमें मिला 117, चलो अच्छा ही है। और यहाँ पे मेरा बैग फुल हो चुका है, तो मैं एक कैबिनेट क्राफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं कैबिनेट पे सारा सामान रख दूंगा अपने कैबिनेट में। अभी तो अपना कैबिनेट क्राफ्ट हो चुका है, तो यहीं पे लगाते हैं अपना कैबिनेट को और बेस को तोड़ना भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका वर्क बेंच तोड़ दिया, क्योंकि मुझे अपना कैबिनेट यहाँ पे लाना था स्टील के बेस के अंदर। सो अभी चलो इसका बेस तोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका भाई एक टेबल तोड़ देता हूँ, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बेजल से भी डायरेक्टली तोड़ सकता हूँ। तो भाई अभी हम पूरे बेस को बिल्कुल साफ कर देंगे यहाँ से, और इसको तोड़ो भाई, सब कुछ तोड़ दो भाई, कुछ नहीं बचना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आयरन का नहीं गाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डोर पता नहीं बंदे ने क्यों ला के रखा है। और वेंडिंग मशीन तोड़ने से कुछ मिलता है क्या, देखते हैं। अरे भाई वेंडिंग मशीन को तोड़ने से कुछ मिलता है, मेरे को तो ये बात पता ही नहीं थी, क्योंकि गाइस मैंने आज तक किसी का वेंडिंग मशीन ही नहीं तोड़ा। मेरे को लगा कुछ भी नहीं मिलेगा शायद, तो मैंने तोड़ा नहीं, बस ऐसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं कुछ वुडन स्टोरेज लगा देता हूँ, क्योंकि अपना जो बैग है ये भाई दोबारा से फुल हो चुका है, तो अभी मैं इसमें कुछ सामान वगैरह रख देता हूँ। अभी चलो यार जल्दी से बेस को तोड़ देते हैं। तो भाई मैं जल्दी जल्दी इसके बेजल पे बिल्कुल तोड़ देता हूँ, ताकि ये पूरा बेस बिल्कुल डायरेक्टली टूट जाए। तो भाई सबसे पहले मैं कोने कोने से तोड़ने वाला हूँ, कहीं पता चला भाई कोई कोने की बेजल ही छूट जाए इसीलिए। तो भाई सारे टूटना चाहिए बिल्कुल, थोड़ी एक कैबिनेट तक भाई मैं इस सर्वर में नहीं छोड़ने वाला, तो इसीलिए भाई पूरा बेस को तोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर वाला पार्ट मैं तोड़ रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि यार अभी यहाँ पे मैं अपना ये नीचे वाला बेजल नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ सामान रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि अपना बैग फुल हो चुका है, तो मैं सारा सामान नहीं ले सकता। सबसे पहले मेरे को अपने बेस में जाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ सामान रख के आना पड़ेगा, फिर दोबारा यहाँ पे आके सारा सामान मैं ले जा पाऊँगा। सो चलो गाइस अभी हम इसको पैक कर देते हैं और इसको अपग्रेड भी कर देते हैं यार आयरन से, कहीं पता चला मैं उठका ही छोड़ दिया और कोई बंदा आके मैचेटी मार के उठ को तोड़ के सारा सामान लूट जाए। अभी मेरे को जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने बेस में कुछ सामान रख के आना पड़ेगा, और दोबारा यहाँ पे आके सारा सामान लेके जाना पड़ेगा। अपने गाड़ी में तो फ्यूल ही नहीं है, वैसे शायद मैंने ही निकाल के रखा था, ताकि कोई बंदा चुरा के ना लेके भाग जाए। तो मैंने अपनी गाड़ी उठा लिया, अभी चलते हैं अपने बेस में। सो ओके गाइस आज के वीडियो पे इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।